बहुत समय पहले की बात है, जब मीना और राजू अपने मम्मी पापा के साथ गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर रहने जाते हैं। नानी के घर पहुंचते ही दोनों बच्चे नानी से जाकर चिपक जाते हैं। नानी नानी, हमने आपको बहुत याद किया। मैंने भी तुम दोनों को खूब याद किया मेरे बच्चों। चलो चलो अंदर चलो, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या बनाया है। तुम सब भूखे होंगे ना, चलो पहले कुछ खा लो। दोनों बच्चे जमकर खाते हैं और फिर थक कर सो जाते हैं। अगली सुबह उनकी माँ उन्हें उठाने आती है। राजू मीना, देखो दिन निकल आया है और तुम दोनों अभी तक सोए पड़े हो। माँ, बहुत बढ़िया नींद आ रही थी इसलिए पता नहीं चला। हाँ, पर तुम्हारी पुरानी सहेली बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। कौन, चंचल? हाँ चंचल। चंचल का नाम सुनते ही मीना झट से उठकर बैठ जाती है और जल्दी से अपनी चप्पल पहनकर उससे मिलने बाहर भागती है। चंचल चंचल, देखा मैं आ गई ना तुझसे मिलने और तू सोई पड़ी है। मुझे लगा तू सबसे पहले मुझसे मिलने आएगी और फिर हम दोनों घूमने जाएंगे। अरे तो अभी कौन सा रात हो गई है, चल चलते हैं। बस फिर दोनों सहेली खुशी खुशी घूमने निकल पड़ती है। पहले वो यहाँ वहाँ पूरा गाँव घूमते हैं, फिर घूमते घूमते वो नदी के किनारे तक आ जाते हैं। दोनों सहेलियां वहीं बैठकर ढेर सारी बातें करती हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है। चंचल मीना को घर चलने को कहती है पर मीना का जाने का अभी भी मन नहीं होता। तभी इतने में वहाँ एक औरत आती है। वो औरत बड़ी अजीब होती है, उसके चेहरे पर जरा भी मुस्कुराहट नहीं होती। वो बस यहाँ वहाँ कुछ ढूंढ रही होती है। उसे ऐसे देख मीना उससे पूछ ही लेती है, अरे आंटी आप कुछ ढूंढ रहे हो क्या, क्या हुआ हमें बताओ। वो औरत गुस्से से मीना की तरफ देखती है और एकदम बोलती है, मेरे बैंगन यहीं लगा रखे थे मैंने, कहाँ कर दिए तुमने मेरे बैंगन? बैंगन? कौन से बैंगन, हमने तो यहाँ कोई बैंगन नहीं देखे। झूठी, तूने ही मेरे बैंगन लिए हैं, सच सच बता तूने खाए हैं ना मेरे बैंगन? नहीं आंटी जी, हमने तो यहाँ कोई भी बैंगन नहीं देखे, हम सच बोल रहे हैं। मीना की इतनी बात सुनकर वो औरत और गुस्से में आ जाती है और पल में एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। चुड़ैल को देख मीना और चंचल की तो हालत खराब हो जाती है। वो वहाँ से चिल्लाकर भागने ही लगती है कि चुड़ैल दोनों को पीछे से पकड़ लेती है और वापस खींच लेती है। कहाँ भागे चली जा रही हो दोनों? अभी छोड़ दो, अभी जाने दो, अभी जाने दो, हमारी माँ हमारे घर पर इंतजार कर रही होगी। नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे बैंगन बर्बाद कर दिए, अब तो मैं तुमको खा ही जाऊंगी। नहीं नहीं ऐसा मत करो। क्यों ना करूं मैं ऐसा, अगर मुझे मेरे बैंगन नहीं मिले तो मैं क्या खाकर पेट भरूंगी। हम तुम्हारे लिए रोज बैंगन ले आएंगे, बस हमें जाने दो, छोड़ दो हमें। अच्छा बहुत चालू बन रही है हा? मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो तू वापस थोड़ी आएगी। नहीं नहीं हम जरूर वापस आएंगे, हम सच बोल रहे हैं, हमारी बात का यकीन करो। अच्छा तो फिर तेरी सहेली को मैं अपने पास रख लेती हूँ, तू रोज मेरे लिए बैंगन लेकर आना और जब तक ये मेरे लिए यहाँ पर बैंगन की खेती करेगी, जब तक मेरा अपना बैंगन का खेत नहीं बन जाता और उसमें बैंगन नहीं आने लगते तब तक मैं इसे यहीं अपने साथ ही रखूंगी। नहीं नहीं ऐसा मत करो, मैं घर जाकर सबको क्या बोलूंगी। वो तू जाने, बस अगर तूने कोई भी चालाकी की तो तेरी ये सहेली जान से जाएगी। नहीं नहीं इसे कुछ मत करना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है फिर अब जा यहाँ से और जाकर मेरे लिए बैंगन लेकर आ, और हाँ याद रहे कि मुझे रोज ढेर सारे बैंगन चाहिए, वो भी वक्त पर। ठीक है मैं रोज बैंगन ले आऊंगी, पर प्लीज मेरी सहेली को कुछ मत करना। जा अब जल्दी, मुझे बहुत भूख लगी है। मीना बेचारी डरी हुई घबराई हुई भागती है और हाँफते हुए सीधा रसोई में जाती है। उसकी माँ और नानी उसे इस हालत में देखकर उससे पूछती हैं कि उसे क्या हुआ, पर वो कुछ जवाब नहीं देती और बस रसोई में कुछ ढूंढने में लगी रहती है। अरे बेटी मीना क्या हुआ, तुम क्या ढूंढ रही हो और इतना परेशान क्यों हो? नानी आपकी रसोई में क्या बैंगन नहीं है? बैंगन? पर तुमको बैंगन का क्या करना है, बताओ ना माँ बैंगन है या नहीं। अरे अरे तुम परेशान क्यों होती हो, रसोई में तो एक भी बैंगन नहीं है, पर हाँ पीछे बगीचे में जरूर बैंगन लगे होंगे। मीना जल्दी से पीछे बगीचे में जाती है और वहाँ से ढेर सारे बैंगन तोड़ लेती है। उसके बाद वो वापस उसी नदी के पास जाती है और चंचल
मीना की आवाज सुनकर चंचल तो नहीं पर चुड़ैल जरूर आ जाती है। मीना के हाथ में ढेर सारे बैंगन देख वो चुड़ैल पागल सी हो जाती है। बैंगन बैंगन मेरे बैंगन। चुड़ैल मीना के हाथ से सारे बैंगन छीन लेती है और उनको चबा चबा कर खाने लगती है। मीना चुड़ैल को ऐसे बैंगन खाते हुए देखती रह जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर कोई चुड़ैल बैंगन कैसे खा सकती है और वो भी कच्चे। मेरी सहेली कहाँ है? वो मेरे लिए नदी के उस पार खेती कर रही है। जब तक मेरे खेत तैयार नहीं हो जाते और उसमें बैंगन नहीं आने लगते तब तक मैं उसे नहीं जाने दूंगी, समझी? इसलिए दोबारा उसके बारे में मुझसे मत पूछना और मेरे लिए रोज बैंगन लाती रहना। मीना उदास मन से घर चली जाती है। उसकी नानी और माँ उससे पूछते हैं कि वो कहाँ गई थी पर वो किसी को कुछ नहीं बताती। वो बस अपने कमरे में जाकर सो जाती है। मीना फिर अगले दिन दोबारा बैंगन लेकर उस चुड़ैल के पास जाती है। चुड़ैल रोज मीना के बैंगन खाती है और दूसरी तरफ बेचारी चंचल अकेले ही खेतों में लगी होती है। एक दिन चंचल काम करते करते बहुत थक जाती है और रोने लगती है। चुड़ैल को चंचल पर बड़ा गुस्सा आता है। दोबारा जाने का नाम लिया ना तो इसी जमीन में गड्ढा करके तुझे दफना दूंगी, समझी? इसलिए अगर जिंदा रहना चाहती है तो चुपचाप काम कर। चंचल बेचारी बैंगन की खेती करने में लगी रहती है और बस इंतजार करती रहती है कि कब उसमें से बैंगन निकलेंगे और चुड़ैल उसे आजाद करेगी। काफी दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन चंचल के माँ बाप मीना की नानी के घर आते हैं और चंचल के बारे में पूछने लगते हैं। चंचल तो कब से यहाँ आई ही नहीं और मीना भी घर में ही रहती है। पर चंचल तो सुबह से घर में नहीं है। हम तो कुछ दिन के लिए उसके चाचा चाची के घर गए थे, उसे यहाँ अकेला छोड़ कर गए थे। आज सुबह ही हम वापस आए तो पड़ोसियों से पता लगा कि मीना आई हुई है। हमें तो लगा कि वो यहीं होगी पर जब इतनी देर हो गई तो मैं पूछने चली आई पर वो तो यहाँ आई नहीं और मीना तो बस अभी घर से नदी की तरफ निकली है। वो जरूर मीना के साथ होगी, आप मेरे साथ चलो। दोनों की माँ नदी के पास पहुँचती है तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं दिखता। पर फिर मीना की माँ की नजर दूसरी तरफ पड़ती है जहाँ मीना और चंचल चुड़ैल से बातें कर रही होती है। मीना और चंचल की माँ की तो हालत ही खराब हो जाती है। ये तो बैंगन खाने वाली चुड़ैल है, ये दोनों वहाँ क्या कर रही है उसके पास? हाँ, बैंगन खाने वाली चुड़ैल? हाँ बहन जी, ये चुड़ैल बैंगन खाती है और जाने इसने कितने खेत बर्बाद कर डाले हैं। मुझे अब कुछ कुछ समझ आ रहा है। मीना रोज बगीचे से ढेर सारे बैंगन तोड़कर कहीं ले जाती है। मैं पूछती हूँ तो बोलती है गाय को खिलाने ले जा रही है। कुछ तो गड़बड़ है। देखो ना कैसे दोनों एक चुड़ैल से बातें कर रही है जैसे उसे कब से जानती है। एक काम करते घर चलते हैं और मीना जैसे ही घर वापस आएगी तो उससे ही पूछेंगे। बस फिर दोनों की माँ घर चली जाती है और जब मीना घर आती है तो वो उससे उस चुड़ैल के बारे में पूछते हैं। मीना तो बहुत डर जाती है और रोने लगती है। रोते रोते वो सब कुछ सच सच बता देती है। हाय मेरी बच्ची, कब से उस चुड़ैल के पास है। मैंने तो सोचा वो घर पर आराम से रह रही होगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कैसे लाऊं अपनी बच्ची को उस चुड़ैल के पास से वापस। जैसे ही उस चुड़ैल के खेत में बैंगन आ जाएंगे वो चंचल को छोड़ देगी। नहीं छोड़ेगी वो, उसने सब झूठ बोला है। चुड़ैल है वो, चुड़ैल। तुम परेशान मत हो, हम अभी चंचल को उस चुड़ैल से छुड़ा लाएंगे। मीना की माँ फिर मीना की नानी को सब बताती है। उसकी नानी फिर उनको एक तांत्रिक के पास लेकर जाती है। तांत्रिक उनको एक मटका देता है और उनको बोलता है, अब इस मटके में चुड़ैल को बुलाना तुम्हारा काम है, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगा। अब किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वो चुड़ैल को मटके के अंदर कैसे लाए। फिर मीना बोलती है, मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम उस चुड़ैल को बैंगनों का लालच दे और उसे कैद कर ले। मतलब क्यों ना हम इसमें बैंगन भर दे और चुड़ैल जैसे ही इसमें अपना हाथ डालेगी उसे हम पीछे से धक्का दे देंगे। बस फिर मीना अगले दिन अकेले उस मटके को लेकर जाती है और उसे चुड़ैल के सामने रख देती है। ये क्या लाई है, मेरे बैंगन कहाँ हैं? मुझसे रोज बैंगन गिर जाते हैं इसलिए मैं आज इनको मटके में भर लाई। ये अच्छा किया तूने। बस फिर जैसे ही चुड़ैल उस मटके में हाथ डालती है मीना उस चुड़ैल को उस मटके में धक्का दे देती है। चुड़ैल जैसे ही मटके में गिर जाती है मीना ऊपर से ढक्कन लगा देती है। अरे ये तूने क्या किया, निकाल मुझे बाहर। अब तू रह इसी में बंद हमेशा, बहुत परेशान किया तूने हम सबको। उसके बाद वहाँ तांत्रिक और बाकी सब भी आ जाते हैं। चंचल की माँ चंचल को गले लगा लेती है। तांत्रिक भी उस मटके को उसी खेत में गाड़ देता है और चुड़ैल हमेशा के लिए अपने ही बैंगन के खेत में कैद हो जाती। बहुत समय पहले की बात है, एक दिन रमेश सरपंच के बगीचे में साफ सफाई का काम कर रहा होता है।
पूरा दिन मेहनत करने के बाद जब वो रात को वापस आता है, आप हाथ मुंह धो लो, मैं जब तक खाना लगाती हूँ। माँ, आज आपने खाने में क्या बनाया है? आज बना है आलू गोभी। क्या माँ, जब देखो आलू गोभी, मुझे तो मुर्गा खाने का बहुत मन है, पर माँ रोज रोज आलू गोभी बना देती है। ठीक है, आज ये आलू गोभी खा लो, कल मैं मुर्गा ले आऊंगा, फिर खूब पेट भर कर खाना। काफी रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं। उसके बाद एक भूत उनके घर में घुस आता है और ऐसे घूम रहा होता है जैसे किसी की तलाश में है। ये इस गांव का आखिरी घर था, पर अब इस घर में भी कोई मुर्गी नहीं है, अब मैं क्या करूं? मैंने गांव के सारे मुर्गे मुर्गी तो पहले ही चुरा लिए हैं, पर वो सब मिलाकर 100 ही हुए हैं। अब 101 की गिनती पूरी करने के लिए आखिरी मुर्गा कहाँ से लाऊं? भूत निराश होकर घर से वापस जाने लगता है, पर अचानक उसे एक ख्याल आता है। क्यों ना मैं अंदर सो रहे उस बच्चे को ही मुर्गा बना दूं? ऐसे मेरे पूरे 101 मुर्गों की गिनती पूरी हो जाएगी। भूत दोनों में से राहुल को गोद में उठाता है और हवा में उड़ता हुआ घर से बाहर निकल आता है। राहुल इतनी गहरी नींद में होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसे किसी भूत ने उठा लिया है। भूत उड़ता हुआ उसे एक घर में ले जाता है। उस घर में बहुत से मुर्गे मुर्गियां पिंजरों में बंद चिल्ला रहे होते हैं। उसके बाद भूत राहुल को जमीन पर लिटा देता है और उसके चारों तरफ लाल रंग का घेरा बना देता है। शैतानों के शैतान, ये है आपका नया मेहमान। भूत घेरे के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगता है और राहुल के ऊपर जादू करने लगता है। कुछ देर बाद राहुल एक मुर्गे में बदल जाता है। राहुल अपने पैरों की तरफ देखता है, पर उसके पैर तो पंजों में बदल चुके होते हैं। आखिर हो ही गए मेरे पास पूरे 101 मुर्गे, अब मैं कल से इनको गांव वालों को खिलाऊंगा, और जिस दिन ये सारे मुर्गे खत्म हो जाएंगे उस दिन मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली भूत बन जाऊंगा। अगले दिन भूत अपनी दुकान खोलकर बैठ जाता है और गांव वालों को मुर्गे बेचने लगता है। दूसरी तरफ अगली सुबह रमेश वापस सरपंच के घर काम करने के लिए निकल रहा होता है। मैं जा रहा हूँ, शाम को आते वक्त राहुल के लिए मुर्गा लेता आऊंगा। जी ठीक है। रमेश काम पर चला जाता है और कमला अपने घर के कामों में लग जाती है। किसी को अभी तक इस बात का एहसास भी नहीं होता कि राहुल घर से गायब है। राधिका भी उठकर घर के काम में अपनी माँ का हाथ बटाने लगती है। राधिका, जरा इस राहुल को जाकर उठाना तो, दिन चढ़ाया है पर ये लड़का अभी तक सो रहा है। नहीं माँ, मैं जब उठी तब वो अपने बिस्तर पर था ही नहीं, वो जरूर अपने दोस्तों के साथ खेलने गया। आप उसे कुछ कहते नहीं हो ना, इसलिए अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस खेल कूद में ही लगा रहता है। अब मैं क्या करूं? ये सुनता भी तो नहीं। आज आने दे इसे, अच्छे से इसकी खबर लूंगी। कमला और राधिका फिर से अपने कामों में लग जाते हैं। काफी देर हो जाती है, दिन के खाने का भी वक्त हो जाता है, पर राहुल घर नहीं आता। अब कमला और राधिका को राहुल की चिंता होने लगती है। इतनी देर तक तो कभी बाहर नहीं रहता। राधिका बेटा, तू जरा जाकर तो देख कि कहाँ खेल रहा है ये लड़का। जी माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी उसे पकड़ कर लाती हूँ। राधिका गाँव में हर जगह राहुल को ढूंढने लगती है और उसके सारे दोस्तों के घर जाकर भी उनसे राहुल के बारे में पूछती है, पर राहुल का कुछ पता नहीं चलता। वो घर आकर अपनी माँ को बताती है तो वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। अब तो इनके आने का ही इंतजार करना पड़ेगा, वो आएंगे तभी कुछ होगा। दोनों रमेश के आने का इंतजार करने लगते हैं और रमेश इस बात से अनजान कि उसका बेटा राहुल कहाँ है, वो सरपंच के बगीचे में काम कर रहा होता है। काम खत्म करने के बाद रमेश घर आने लगता है, तभी उसे याद आता है कि उसे राहुल के लिए मुर्गा लेना है। वो मुर्गा खरीदने जा ही रहा होता है कि तभी उसे आवाज आती है। मुर्गे की मीट ले लो, मुर्गे की मीट। अरे यहाँ कौन मीट वाला आ गया? खैर मुझे क्या, मुझे तो मीट लेने से मतलब है।
रमेश मीट की दुकान पर जाता है जहां वो भूत एक आदमी के भेस में दुकान पर बैठा होता है। उसकी दुकान में खूब सारे पिंजरे होते हैं जिसमें उस भूत ने अपने सारे मुर्गों को बंद कर रखा होता है। अरे भाई, ये दुकान पहले तो यहाँ नहीं थी। हाँ भाई साहब, मैंने आज ही ये दुकान खोली है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। चलो मुझे एक ताजा मुर्गा काट कर दे दो। आदमी के भेस में वो भूत सबसे पहले राहुल को ही पिंजरे से गर्दन पकड़कर बाहर निकालता है। राहुल अपने पापा को देखकर जोर जोर से चिल्लाने और फड़फड़ाने लगता है। रमेश को कुछ अलग सा महसूस होता है। उसका बिल्कुल मन नहीं मानता कि वो उस मुर्गे को कटवाए। अरे भाई साहब, आप इसे काटो मत, मैं इसे घर जाकर खुद काट लूंगा। आप मुझे ये मुर्गा ऐसे ही दे दो। मैं काटू या ये आदमी, मुझे तो इन सब मुर्गों की मीट इन गांव वालों को खिलाने से मतलब है। क्या हुआ भाई साहब, मुर्गा नहीं देना क्या? जी जरूर देना है भाई साहब। आप ये मुर्गा पकड़ो और घर जाकर ताजा ताजा काट कर खाना। रमेश उस मुर्गे को घर ले आता है। वो कमला और राधिका को ऐसे रोते देख हैरान होता है। क्या हुआ तुम दोनों को, रो क्यों रहे हो? राधिका सारी बात अपने पापा को बताती है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? राहुल ऐसे कैसे गायब हो सकता है? अभी कुछ दिनों से मैं हमारे गांव में मुर्गे मुर्गी चोरी होने की बातें सुन रहा था, पर आज तो हमारा बच्चा ही गायब हो गया। ये क्या ले आए? मैं तो आज राहुल के लिए ही मुर्गे का मीट लाने वाला था, पर पता नहीं क्यों जब दुकान वाला इस मुर्गे को काटने लगा तो मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं इसे जिंदा ही घर ले आया। अब इसे यहीं छोड़ो और अपने राहुल को ढूंढो। रमेश और कमला सुबह होते ही वापस राहुल को ढूंढने निकल पड़ते हैं, पर पूरे गांव में राहुल का कुछ पता नहीं चलता। वो निराश होकर घर वापस आते हैं तो उनका मुर्गा उछलता हुआ खुशी से उनके पास आकर चिपकने लगता है। क्या मुसीबत है ये, हटाओ इसे मेरे पास से। एक तो मेरा बेटा नहीं मिल रहा और ऊपर से ये मुसीबत। बहुत दिन गुजर जाते हैं पर राहुल का कुछ पता नहीं चलता। यहाँ भूत रोज दिन में अपना भेस बदल कर अपनी मुर्गे की दुकान खोल कर बैठ जाता है और जादू किए हुए मुर्गों का मीट लोगों को बेचने लगता है। काफी दिन हो जाते हैं और भूत के सारे मुर्गे खत्म हो जाते हैं, पर अभी भी उसमें वो शक्ति नहीं आती जो आनी चाहिए थी। कुछ तो गड़बड़ है, मैंने तो पूरे 101 मुर्गों की बलि देकर लोगों का उनका मीट खिलाया है, फिर मुझ में वो शक्ति क्यों नहीं आ रही? आखिर कहाँ कमी रह गई? भूत यहाँ वहाँ घूमने लगता है और उसे अचानक राहुल के बारे में याद आता है कि उसने बस उसी मुर्गे को बिना काटे बेच दिया था। कहीं वो बच्चा जिसे मैंने मुर्गा बनाया था वो अभी तक जिंदा तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस आदमी ने उसे मारा ही ना हो? आज अमावस की रात है, मुझे उस मुर्गे को रात 12 बजे से पहले ढूंढना होगा, वरना वो अपने असली रूप में आ जाएगा और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। भूत उस मुर्गे को ढूंढने निकल पड़ता है, पर वो मुर्गा तो मजे से अपने ही घर में खेल रहा होता है। अब तो रमेश, कमला और राधिका सब उस मुर्गे को प्यार करने लगे थे। भूत सारे गांव में ढूंढने के बाद आखिरकार रमेश के घर पहुंच जाता है और मुर्गे को देखकर बड़ा खुश होता है। भूत घर में घुसकर मुर्गे को दबोच लेता है। वो बुरी तरह फड़फड़ाने और चिल्लाने लगता है। मुर्गे की आवाज सुनकर सब बाहर आ जाते हैं और भूत को देखकर घबरा जाते हैं। तूने इस मुर्गे को क्यों नहीं मारा? तेरी वजह से मेरी सारी मेहनत बर्बाद होने वाली थी। इस मुर्गे को छोड़ दो, ये हमारा है। कभी नहीं। भूत मुर्गे को लेकर भाग ही रहा होता है तभी मुर्गा उसके हाथ से निकलकर भाग जाता है। भूत उस मुर्गे के पीछे पीछे भागने लगता है। मुर्गा कभी पलंग के नीचे घुस जाता है। भूत उस मुर्गे को पकड़ने के लिए पूरे घर में भागने लगता है। इतने में 12 बज जाते हैं और वो मुर्गा अचानक राहुल बन जाता है। राहुल को देखकर सब लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। वो भूत वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद राहुल सारी बात अपने घर वालों को बताता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।